नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी दिनों से कई बच्चे जो हैं पूछ रहे थे कि सर हर वीडियो पे व्हाट्सएप पे क्वेरी है उनकी कि सर UPASI की और SI की जो टाइपिंग लगी है वो कब हो सकती है, क्योंकि DBPST आपका हो चुका है। टाइपिंग के लिए एक नोटिस वायरल हो रहा था, उससे रिलेटेड बच्चों की क्वेरी थी। प्लस एक क्वेरी ये भी है कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप ASI में, अगर SI में धांधली हुई है तो ASI में भी हुई होगी, तभी कट ऑफ इतनी गई है, तो इस पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके दूंगा। जैसे सबसे पहला है कि टाइपिंग कब होगी। ठीक है, तो टाइपिंग कब होगी, एक नोटिस आपका वायरल हुआ है, एक नोटिस विभागी आपका नोटिस गया है, मैं आपको वो नोटिस दिखा दे रहा हूँ। कुछ ऐसा इस फॉर्मेट में नोटिस है। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस में मैं कम कर दे रहा हूँ। इस नोटिस में खासकर जितने भी आपके जोन हैं उन सभी जोनल को नोटिस भेजा गया है कि आप लोग टाइपिंग टेस्ट से पहले सभी सेंटर का परीक्षण कर लें। ठीक है, सेंटर के परीक्षण के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ ये बताया गया कि जो आपकी टाइपिंग होगी वो कहीं ना कहीं दो पालियों में होगी, टू शिफ्ट में होगी। एक आपकी सुबह 10 AM पे होगी, उसके बाद से दूसरी जो आपकी होगी वो 2 PM पे होगी। तो ये 10 और 2 बजे से आपकी दो पालियों में होगी। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको 8 बजे अपने सेंटर, जो भी सेंटर आपको अलॉकआउट होगा, आपकी 8 AM पर रिपोर्टिंग टाइम होगा। ठीक है, ये बोला गया है। और जितने भी आपके यहाँ पर हैं, जो भी सेंटर बनाए गए हैं जोन में, जो भी बनाए जाएंगे, चाहे वो बनारस, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, इन सभी के निरीक्षण के लिए ये नोटिस थी, विभागीय नोटिस थी जो वायरल हुई थी। और ये कहीं ना कहीं आपको जो टाइपिंग डेट आप पूछ रहे हो तो ये नोट कर लो, ऑन अप्रोक्स आपकी टाइपिंग जो मैं कहूँ उसकी इन्फॉर्मेशन 10 से 15 जून के आसपास आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि कब कितने शिफ्ट में आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। ठीक है, रही बात थर्ड लिस्ट की कि क्या थर्ड लिस्ट आएगी। देखो बच्चों, अब थर्ड लिस्ट नहीं आनी, इसी वजह से ये नोटिस आपकी टाइपिंग पे जा रहा है और डिले इतना हुआ, नहीं तो फर्स्ट जैसे ही DBPST हुआ था सेकेंड लिस्ट आ गई थी। थर्ड लिस्ट के चांसेस तब बनेंगे जब आपके टाइपिंग हो जाए, और उस टाइपिंग में अगर स्टेनो के बच्चे नहीं मिले, उसमें अकाउंटेंट के बच्चे नहीं मिले, तब इनके लिए खासकर आ सकती है। ये भी 100% मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, अभी दोनों लिस्ट मिला के। ठीक है, ऑन अप्रोक्स पहले में तो डाटा पता चल गया था कि 45% बच्चे बाहर हो गए थे, तो ऑन अप्रोक्स कहा जाए कि 2100-2100 के लमसम बच्चे जो हैं फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट हुए। तो अगर यही रेशियो रहा हो सेकेंड लिस्ट में, तो हम 2000 से 2100 मान लें, तो 2000 इसमें भी हो, तो ओवरऑल 4100 से 4200 बच्चों को मान लें कि क्या हुए, हमारे सेलेक्ट हुए होंगे। ठीक है, दोनों में जो दोनों लिस्ट आई, तो इनसे उनकी क्राइटेरिया कहीं ना कहीं टाइपिंग वाली अगर फुलफिल हो जाती है तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगी, या किसी वैकेंसी की फुलफिल नहीं हो पाती है जैसे स्टेनो और अकाउंटेंट। ठीक है, इनके चांसेस बनते हैं, खासकर स्टेनो के लिए ज्यादा चांस बनते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनके लिए अलग से निकाला है, क्योंकि कोई भी पोस्ट खाली नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना, इस बात का तो उन्होंने आश्वासन दिया था। ठीक है, ये आपके दो प्रश्नों के जवाब हो गए। अब है कि ASI में धांधली हुई है। अब भैया देखो, दो चीजें आप लोग कहते हो कि मार्क्स ज्यादा गया, कट ऑफ ज्यादा गया। ठीक है, उसके बाद से सेकेंड कट ऑफ में तो मैक्सिमम बच्चे हुए, लेकिन दो है कि आपका जो, ऐसा नहीं है कि ASI में आपकी चेकिंग नहीं हुई थी, जैसा चेकिंग SI में हो रहा है वैसी ही चेकिंग ASI में भी हुई। अगर उन्हें कोई भी डाउट लगा होता तो जरूर वो कहते। ठीक है, और इससे पहले, एग्जाम से पहले, जैसे SI में सब कुछ जो आपके टॉपर हैं चाहे जो भी हैं, ऐसे कुछ बच्चे जिनके आंसर की जो थी, आंसर शीट थी, वो वायरल हुई थी, हमें ASI में कोई देखने को नहीं मिला। तो हमारे पास अगर सबूत नहीं है तो हम अपनी बातों को अगर किसी के सामने बिना सबूत के रखेंगे तो कोई मानने को तैयार होगा? आप ही खुद सोचिए, अपने विवेक से सोचिए, नहीं होगा ना। उसे यहाँ पर इतने सबूत होने के बाद भी अभी तक SI पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लोग अभी तक इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, काफ़ी लोग आए, लेकिन कोई भी जो शासन पे असर नहीं दिख रहा है। तो शासन एकदम क्या है,
किसी के सुनने पे नहीं लगा हुआ है। तो बस ये मैं कहूँगा कि अभी इसमें हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जो भी हुआ हो अब हमें 100% तो कुछ भी नहीं पता, हुआ भी हो नहीं हुआ भी वो कुछ नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कुछ उससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं है। तो हम इसीलिए आपसे कहते हैं कि भाई आगे जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसके लिए आप लोग तैयारी करो, ठीक है, और अपना टारगेट हमेशा 70 से 80% जो है स्कोरिंग, अब जो है 80% मानो कि मैं 80% कर लें तब हमें कहीं उम्मीद है, और जितना कम वैकेंसी उतने ही ज़्यादा ये टारगेट आपका बढ़ जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी करो, और 5 तारीख को रात्रि 10 बजे आप लोग ना भूलिए, जितने भी आपके दोस्त मित्र नात रिश्तेदार हैं सभी को कहिए कि आप परीक्षा प्लस चैनल पर रात्रि 10 बजे 5 तारीख को आप सभी लोग हमसे लाइव जुड़िए। वहाँ पर टीम आपके लिए कुछ विशेष सोचकर आ रही है आप सभी के लिए, तो जिस आप लोग रात्रि में 10 बजे आप लोगों को पता चल जाएगी कि टीम उन बच्चों के लिए जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो हमसे नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए क्या टीम कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।